वाहिगुरु वाहिगुरु। जुग जुग अटल साहिब कमाल चवर छत्र तख्त दे मालक प्रताप सतगुरु तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी में जुड़ बैठी सन्मान योग गुरु प्यारी साध संगत जीओ आओ सारे करो रसना पवित्र कलगीधर पातशाह जी की बख्शी हुई फतेह प्रवान करना जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दास तो पहला दास दे गुर भाई भाई साहब भाई तरसेम सिंह जी भाई साहब भाई नरेंद्र सिंह जी भाई साहब भाई जगजीत सिंह हुणा ने आप जी ने सतगुरां दी इलाही बाणी का कीर्तन इन्हां तंती साजां दे उत्ते सरवण करवाया। भाई तरसेम सिंह जी का अज जन्मदिन भी है तो आप जी ने असीस बख्शिश करनी कि इस तरह पंथ की सेवा करते रहन कीर्तन रूप दे विच साध संगत। स्टेज तो माता जी ने अनाउंस किया इन्हां साजां बारे दस रहे जिथे भी जाते हैं एक दो मिनट लई बेनती जरूर करते हैं। साध संगत ये पुरातन तंती साज ने जिन्हां उत्ते साडे गुरु साहिबान कीर्तन करते रहे जां उस समय दे जो साजिंदे सन जो केवल साज वजाउंदे सन वो इन्हां साजां ते गुरु साहिब जी दे नाल संगत करते रहे। ये बेनती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सत्संग आप जी विचों शायद बहुत ही शरीर ऐसे हो जिन्होंने इन साजां दे दर्शन पहली बार किए हो। सो ये कोई किसी कारीगर का बनाया हुआ इंस्ट्रूमेंट नहीं कि आवाज़ सोहनी आती है टोन सोहनी है साउंड सोहना है ता करके इन्हां ते कीर्तन होन लग गया। मैं पहला बेनती की है कि इन साजां ते गुरु साहब कीर्तन करते रहे। हारमोनीयम उस समय होंद विच नहीं सी तंती साज साध संगत होर भी बहुत ने शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तानी क्लासीकल म्यूजिक विच वरते जाते हैं पर साडे लई इही कुछ क चुनिंदा तंती साज क्यों इंपोर्टेंस रखते हैं सिख दे लई क्यों इंपोर्टेंस रखते हैं क्योंकि इन्हां साजां ते गुरु साहिब जी ने कीर्तन किया इन्हां साजां नूं सतगुरों ने चुनिया। जे गुरु महाराज उस समय कोई होर साज चुन लेंदे बांसरी चुन लेंदे साडे लई ओह वी सत्कारयोग होणी सी पर नहीं साज का अपना रिस्पैक्ट है उस जगह पर सिखीज़म लई गुरमत लई क्यों जरूरी क्यों इन्हों का सत्कार ते प्यार है सिख दे मन च क्योंकि गुरु साहिब जी ने सानू बख्शिश किए ने। पहला जथा दास दे नाल भी पिछे हुण रबाब ते सेवा निभाउणगे भाई नरेंद्र सिंह इन्हां कोल जिहड़ा साज है उसनू रबाब आखदे रबाब दो तरह की मनी जाती है जिहड़ी इन्हां कोल रबाब है इन्हू अफगानी रबाब आखते हैं एक ध्रुपदी रबाब है उसनू गुरमुखी रबाब भी आखते हैं फिरंदिया रबाब भी आखते हैं नानकशाही रबाब भी आखते हैं। मैं बेनती इसलिए कर रहा कि सानू पता होना चाहिए कि साडा विरासत की सी विरसा की सी साज की ने। सो साध संगत भाई मरदाना जी का जिक्र जदों करते हैं तो रबाब नाल जुड़ी है क्योंकि एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मरदाना। कोई इतिहासकार लिखता है 48 साल कोई लिखता है 52 साल नियर अबाउट 50 ईयर्स 50 साल के करीब भाई मरदाना जी ने गुरु नानक साहब जी के नाल रबाब साज बजाया। उस तो अगे चलीए तो पंचम पातशाह जी वेले सिरंदा साज सतगुरां ने वरत्या छेवें पातशाह मीरी पीरी के मालक सतगुरां ने जड़ा साज वरत्या उसनों ताऊ साखते ने जिसते दास ने भी कीर्तन करना है जो साज दास को इसनों ताऊ साखते ने। भाई तरसेम सिंह हुणी भी साज जो सी वह ताऊ सी ताऊस परशियन लैंग्वेज का वर्ड है पंजाबी का नहीं पंजाबी जो यदा अपार्थ करते हैं ताऊस का तो वह मीनिंग ये निकलता मोर इस करके जी बणतर है बनावट है सारी मोर वाग कला यह पक्ष नहीं इतिहास में होर भी बहुत साखियां ने इन्ना समा नहीं मैं आप जी सांझियां कर सका जेदा कारण है कि इस साज की विशेष विलक्षण जी बणतर है मोर वाग क्यों। दसवें पातशाही का समा आया सतगुरां ने दिलरुबा साज ते कीर्तन किया जो साज
दास दे नाल भाई परमजीत सिंह बैठे इन्हां कोल साज है दिल रुबा। इस साज ते दसवें पातशाह जी ने कीर्तन किया। गुरु साहब जी ने ताउस ते भी कीर्तन किया, दिलरुबा ते भी कीर्तन किया, तानपुरे ते भी कीर्तन किया। इस राज साज है एक, वह भी गुरु काल दौरान वजदा रहा। सो यह पुरातन विरासत है साड़ी साध संगत जिन्हों सामभ के रखना एक लायक पुत्र होने के नाते, क्योंकि साढ़े घर चो वड़े वडेरे चले जाते हैं, सब दुनिया आवन जानिया संसार की रीत है, पर फिर भी असी उन्हां दियां निशानियां बड़ा सामभ के रखते हैं, सामभ के रखते हैं ना जी। तो फिर साढ़े पुरखियां ने सानू ये बख्शिश की है, तो एक लायक औलाद होने के नाते साडा फर्ज बनता है कि इन्हों संभाल के रखिए, आने वाले भविख में आने वाली पीढ़ी को असी अपनी विरासत के नाल जोड़ के रखिए। आओ कीर्तन के नाल जुड़िए। 9 बजे का समय आनंद साहब का पाठ आप कर देना, समय के विच रह के समाप्ति करनी। आओ सतसंगत, सतगुरु महाराज कृपा करन, आप जी ने असी बख्शिश की। ਤਨ ਤਨ ਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ
अर्जुन देव साहिब जियो महाराज। सारे करो कृपा सुखै जहा शब्द लिया क्योंकि सुनने वेच बहुत आउंदा कि रागां च बाणी समझ नहीं आउंदी, अक्सर सुनन च आउंदा, पर गुरु महाराज की अपार कृपा साडा अज दिन का चौथा प्रोग्राम है। मतलब संगत अवेयरनैस आ रही, जे स्रोत रखांगे समझ फिर आएगी, जे कन्नी कतराउणा है कि सुनना ही नहीं फिर सत संगत समझ नहीं। तो सतगुरां ने उपदेश दिता, हुक्म किया बाणी सारी रागां च। वैसे बाणी जिवें भी कोई पढ़ लवे, मेरा कहने का मतलब ये नहीं, मुबारक है बाणी ने अपना फल बख्शना, पर सानू सतगुरां दे दिते हुक्म ते चलना चाहिए। सो आओ यतन करांगे कि आप जी भी सारे नाल नाल पढ़ियो अमृत बाणी, हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी, सारे शब्द नाल जुड़िए राग माज पंजवें पातशाही दे पावन। अमृत बाणी हर हर तेरी, 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 अमृत बाणी अमृत बाणी हर हर तेरी, अमृत बाणी हर हर तेरी, अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी, शीतल होए मनो आ, बुझे शीतल होए मनो आ, सतगुर का दर्शन आए जियो, सतगुर का दर्शन पाए जियो, अमृत बाणी हर हर तेरी, अमृत बाणी हर हर तेरी, अमृत बाणी हर हर तेरी। सुख पाया दूर पराना, करो कृपा पढ़ो सारे, सुख पाया दुख दूर पराना, सुख पाया दुख दूर पराना, शंकर नाम वखाना, जल तल नीर परे सर सोबर, जल तल नीर परे सर सोबर, बिरथा कोए न जाए जियो, बिरथा बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी, जी सुन सुन होवे परम।
ਸੁਰਬਤ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੇ ਦਇਆ ਤਾਰੀ ਤਿੰਨ ਸਿਰਜਣ ਜੀ ਜੰਤ ਸਗਲੇ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਰੇ ਸਗਲੇ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਰੇ ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਤਿੰਨ ਸਿਰ ਜਣ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਗਲੇ ਪ੍ਰਤੁ ਪਾਰੇ ਸਗਲੇ ਪ੍ਰਤੁ ਪਾਰੇ ਪ੍ਰਤੁ ਪਾਰੇ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲਾ ਸਗਲੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ ਜੀਉ ਸਗਲੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ ਜੀਉ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਉ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਹਰ ਤੇਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।
रामदास गुरु हर सात के ओ रामदास गुरु हर सात के ओ समरत गुरु सिर हाथ तरे ओ समरत गुरु सिर हाथ तरे ओ समरत गुरु पढ़ो सारे सिर हाथ समा रामदास गुरु हर सात कियो रामदास गुरु हर सात कियो समरत गुरु सिर हाथ तरे ओ समरत गुरु सिर हाथ तरे ओ समरत गुरु सिर हाथ तरे ओ समरत गुरु सिर हाथ तरे गुर की नेक कृपा हर नाम दियो जिस देख चलन अगन हर ओ 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 समरत गुरु सिर हाथ तरे समरत गुरु सिर हाथ तरे ओ रामदास गुरु हर सात कियो रामदास गुरु कृपा हर सात कियो समरत गुरु सिर हाथ तरे सिर हाथ धरे ओ निसबासुरेख समान ध्यान निसबासुरेख समान ध्यान निसबासुरेख समान ध्यान निसबासुरेख समान ध्यान सो नाम सुने सुत पान डरे ओ नाम सुने सुत पान डरे ओ भनदास सुयास जगत्र गुरु के बनदास सुयास जगत्र गुरु के पारस पेट परस करे ओ पारस पेट परस हाथ तरे ओ समरत गुरु
सिर हाथ तरियो रामदास गुरु हर साथ कियो रामदास गुरु हर साथ कियो समरत गुरु सिर हाथ सारे लोग हाजरी कोई रसना वाजी न रहे पढ़ो जी रामदास गुरु हर साथ कियो रामदास गुरु समरथ गुरु सिर हाथ तरे ओ सम हाथ तरे ओ वाहे गुरु साहिब जी सुगुरु प्यारी सत्संग दस रहे वालों कीर्तन की इतनी हाजरी प्रवान करना आओ केवल हुक्म होया संगत वालों दो मिनट की हाजरी जो गुरु रामदास पातशाह जी दर तो रोज़ाना सवेरे अमृत वेले बड़ी मिठी ते प्यारी धुन आउंदी है सतनाम श्री वाहिगुरु जी केवल दो मिनट लिए आप सारे सिमरन दे विच जुड़ बैठिए फिर समाप्ति कर सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जियो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी कृपा सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सतनाम सतगुरु पातशाह जी की पावन पवित्र बाणी पढ़द्या हो अनेक भुला चुका सतगुरु महाराज बख्श लैन आप जी सारी संत ने बख्श देना कोटान कोट शुकराना धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी गुरुद्वारा साहब की समूह प्रबंधक कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद माता बलदेव कौर जी बैठे ने संगत दे विच जो दासरियां नूं गुरु घर के कीर्तनियां नूं बहुत सेवा करते ने थां पर थां संगत नूं कीर्तनिया के दर्शन कराते हैं तो कीर्तनिया संगत के दर्शन कराते हैं महाराज चढ़ती कला आप सब बख्शिश कर आओ आनंद साहब जी का पाठ फिर समाप्ति है रामकली महला तीजा सत्संग रामकली भी राग पहला राग पढ़िया माज महला तीजा आनंद एक ओंकार आनंद भया मेरे माए मेरी माया आनंद भया मेरी माए आनंद भया मेरी माए
मन बजिया वधाया रग रतन परवार परिया रग रतन परवार परिया सब जगा बने आया सब गोता गावो हरि के आनंद हुआ सतगुरु में आनंद भया मेरी माँ मेरी माया आनंद भया मेरी माँ मेरी माया आनंद भया मेरी माँ मेरी माया आनंद भया मेरी माँ भया मेरी माँ भया मेरी माँ वाहे गुरु ए मन मेरे आत्म सदा रहो डाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना नांगला स्मरत स्वामी सो को मन विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिब क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जस दे स्वभाव सदा शब्द तेरे प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाचे पंच शब्द तितकार सभागे कार सभागे शब्द वाचे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद बस कीते काल कंटक मारिया कर पाया तुद जिन को से नाम हर के लागे कह नानक दस मोह आत करे नद वाचे नानक ते मुख उजरे किते छुटे नार वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।